ओवैसी बोले, आईबी रॉ में एक भी मुस्लिम अधिकारी नहीं। कुमार विश्वास ने दे डाली खुली चुनौती। जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राणी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूं ट्रिगर न्यूज पर। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से खुफिया विभाग में किसी भी मुस्लिम अधिकारी के ना होने का सवाल उठाया है, उस पर कुमार विश्वास ने तीखा पलटवार किया है। कुमार विश्वास ने ओवैसी को चुनौती दी है कि आप इन बातों को खुलेआम बोलने की हिम्मत दिखाइए। कुमार विश्वास ने ओवैसी के ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा, वकील साहब आपकी हर बात सर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये दो बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दे। कुमार विश्वास ने लिखा, बोलिए अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। बता दें कि ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए लिखा था कि एक दशक में पहली बार आईबी के शीर्ष नेतृत्व में एक भी मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। ये मुसलमानों के प्रति भाजपा के संदेह को जाहिर करता है। आईबी और रॉ वशिष्ठ बहुसंख्यावादी संगठन बनाकर रह गए हैं। आप हमेशा मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी भी बराबर का नागरिक नहीं समझते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत के जासूसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए। मुसलमानों से पूछा जाता है कि मजहब और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा। पता नहीं कितने लोग देश की सुरक्षा और सौदा करते हुए पकड़े जाते हैं। ISI महिलाओं के फेक अकाउंट बनाकर इन्हें फंसा लेती हैं। धर्म की बात तो दूर, क्या कोई इन्हें पूछेगा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज़।